की मुख्य मांगे अभी हम लोग को है कि काम के बदले दाम दीजिए, मानदेय के बदले वेतन। हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। आज हम लोग का ज्ञापन सौंपना है और ज्ञापन जब तक आते नहीं है तब तक सौंप नहीं देते, हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। हम लोग को बहुत शोषण किया जाता है काम के नाम पर। हम लोग को समझिए कि आज हम लोग अपने मांगों को लेकर रामानंद जी को सौंपने आए हैं। हम लोग फतुहा से आए हैं, हमारे स्थानीय नेता हैं, हम लोग के वोट से ही इनका विजय होती है और इसीलिए हम लोग इनके पास आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और बहुत देर तक खड़ी हैं, देखिए मुलाकात कब करते हैं, ये उम्मीद लगा के। हम लोग की मुख्य मांग, ऐसे तो पांच सूत्री मांगे हैं लेकिन हम लोग की मुख्य मांगे अभी हम लोग को है कि काम के बदले दाम दीजिए, मानदेय के बदले वेतन मान कीजिए। अगर वेतन मान नहीं करते हैं तो तब तक हम लोग को सेविका बहन को 25,000 रुपया और सहायिका बहन को 18,000 रुपया दिया जाए, ताकि अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे? फिर हम लोग आंदोलन करेंगे उनको, अगले चुनाव में भी हम लोग भी अपनी ताकत दिखाएंगे। जैसे ही उनको गद्दी पर बिठाते हैं उस तरह हम लोग गद्दी से उतारेंगे भी। हम लोग यही लेके आए हुए हैं अभी तक। अपने पांच सूत्री मांग कर लेने के लिए आए हैं, जैसे कि सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000। और हम लोग नारी शोषण बहुत किया जा रहा है, चार हम लोग 10 बजे से आए हुए हैं, नहीं अभी तक नहीं मिले हैं, निकल नहीं रहे, बोल रहे हैं नहीं। क्या मांग है आप लोग? वोटर हैं सर, हमारा मांग यही है कि हम वो वेतन मान किया जाए। वेतन मान अगर नहीं करते हैं तो हमें फिलहाल 25,000 मानदेय दे, और जितना काम होता है हम लोग जितना काम करते हैं उस काम के आधार पर हमें पैसा नहीं मिलता है। और जो है कि जैसे टीकाकरण है, THR है, यानी जो भी काम है, जनगणना है, सर्वे है, ये कोरोना काल आया उसमें किसी वर्कर ने काम नहीं किया, जो भी किया हम लोगों ने किया, हेल्थ विभाग ने किया, हमने किया, जो घर घर जाकर वैक्सीनेशन करवाया, जो इतना 100% वैक्सीनेशन हुआ ये हमारा ही देन था। और वो सारे कार्य को भूल गए, बाकी जितने कर्मी थे बिहार में सभी का पैसा बढ़ा दिया उन्होंने सिवाय हमें छोड़कर, तो ये अन्याय नहीं है तो क्या? ये शोषित कर रहे नहीं तो क्या है ये महिलाओं के साथ? अगर वो हमारी बात सुनते तो आज हम रोड पर नहीं होते, आज अपने घर पे केंद्र चला रहे होते। आपकी बात अगर नहीं मानते हैं तो फिर आगे का जो होगा वो हम करेंगे, क्या कीजिएगा? आ रही है चुनाव का वक्त आ रहा है, केंद्र को ही बताएंगे, विधानसभा में भी बताएंगे, केंद्र को भी बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, दोनों को बताएंगे। हमारी लंबी तादाद है। क्या हमारी लंबी तादाद है? आपकी लंबी तादाद? जी जी, पूछिए, ये सभी बहनों से पूछिए क्या राय है, आप बोलिए, सबकी एक राय है। सब हम लोग 29 तारीख से ही हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। 13 तारीख तक हम लोग अपने कार्यालय में थे, आज हम लोग का ज्ञापन सौंपना है और ज्ञापन जब तक आते नहीं है तब तक सौंप नहीं देते, हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। हम लोग को बहुत शोषण किया जाता है काम के नाम पर। हम लोग को समझिए कि बहुत काम हम लोग से लिया जाता है, और इधर हमको लगता है इधर तो 6 महीना से इतना हम लोग को बोझित कर दिया गया है काम से कि हम लोग को ठीक है आप काम लेते हैं तो उस अनुसार हम लोग को दाम दीजिए। जैसे सब विभाग में सबका पैसा दुगना कर रहे हैं, हम लोग के भी नजरिया देखिए, सब जैसे सबका नजरिया देख रहे हैं, हम लोग का भी सेविका का नजरिया देख ले, दर्द दयनीय स्थिति हम लोग को एकदम बना हुआ है सर। ये हम लोग का आगे जाके इसको पहुँचाइए सर। ये हम कहना चाहते हैं कि हमारी महिला टीम है जो इसमें जो भी हम काम करते हैं सभी महिला, जेंट्स नहीं है, या तो महिला देखकर हमें शोषित किया जाता है, अगर हम पुरुष होते तो हो सकता है सबके साथ हमारा भी सब कुछ हो जाता, मगर ये महिला की होने के बावजूद हमारी कोई नहीं सुनती है। जो अगर सरकार अगर हमारी नहीं सुनी है तो फिर हम भी उनकी नहीं सुनेंगे। क्या मांगे आप लोगों की? आप लोग आ जाए, हम मेरी मांगे यही है ये, जो हम लोग जो मजदूरी कर रहे हैं उनको हमको माने दीजिए, क्योंकि जो दिया जा रहा है मानदेय जो दिया रहा है 3,000 के, हम लोग को जो मानदेय दे, जो मजदूर से भी कम मजदूर है 5,000 रुपया कमाता है, आए हमको 150 रुपया दिया जाते, बताइए 150 वो भी सही से नहीं मिलता है, वो भी 3,000 अगर मिलता तो हम लोग सही कुछ रहते, लेकिन वो भी 3,000 रुपया हम लोग को सहायिका को नहीं मिलता, कितना हम लोग एकदम अथी बूझ रहे, बताइए इतना बड़ा सरकार नेता है नीतीश कुमार है नरेंद्र मोदी, क्या हम लोग उनको नहीं वोट दिए हैं? हम घर घर में बुला कर सबके टीकाकरण होता है,
सबको बुलाते हैं, उससे भी कोरोना अथी हुआ, घर घर में बुला के सबको वैक्सीन दिलवाया है, लेकिन तब पर भी आज तक कोई मजूरी नहीं मिल रहा है इसे है। बताइए हम लोग कैसे हम लोग रहेंगे? अब गरीब को कहते, गरीब को आगे बढ़ाते हैं, गरीब को देखते हैं, लेकिन कहीं नहीं हम लोग के कहीं मिलता है। कहीं कितना सरकार आए, कितना सरकार गए, लेकिन कोई सरकार नहीं पूछता है जो 3000 में तुमको पेट भरता है कि नहीं भरता है। आ हम लोग काम दे देते हैं, धूप में उतना काम देता है। आए बच्चा, मेरा बच्चा छोटा छोटा रोता है, बताइए सहायता की कितना कमजोर, बताइए 3000 अभी किसी को मिलता है? बताइए इतना सरकार हम लोग के नीचे बुझता है। जब इलेक्शन के बारे में तो घर घर में कहते जी जाके उसको अति करने के लिए, इसके जब तक मानते क्या मांगे आप लोग कि आप लोग आज आप लोग रामलाल जी के लिए क्या मांगे हैं? हम लोग 5 सूत्री मांग लेके आए हैं कि हम लोग को 25,000 चाहिए, 5,000 नहीं 25,000 चाहिए, सेवका को 18,000 चाहिए। हम लोग के तो मांग है सरकारी कर्मी का दर्जा दे, और जब तक नहीं सरकारी कर्मी का दर्जा दे रहे तो 25,000 सेवका को, 18,000 रुपया सहायिका को दें, और जितना उस खुद सोचे कि कितना काम हम लोग के दिए हैं उतना ही के जो सरकार न्यूनतम मजदूर को दे रहे हैं उतना ही उनको दिख नहीं रहा है कि ये लोग भी मजदूर की तरह दे। 1450 रुपया बिहार सरकार हम लोग के देती है, अब 45 बताइए 5,650 में घर और परिवार चलेगा, चल सकता है, संभव है? इनका एगो जूता होगा, 6,000 में एगो जूता होगा जो हम अपने घर परिवार चला सकते हैं? हाँ, ये वो प्लेट जो ले लेते होंगे वो भी 2,000 में ही खाते होंगे। हम लोग के 1450 को भिखारी के रूप में ही देते हैं, और जब मिलने की बात आता सरकार के बड़ी बड़ी बाधा होती है, हम लोग से का कुछ नहीं है। अबरी इनको औकात दिखा देंगे कि कैसे नारी शक्ति क्या है, हम लोग देने का भी कर। प्रियंका सिन्हा बथुआ विधानसभा से हम लोग। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।